नारायणपुर की हर खबरें छत्तीसगढ़ तक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मात्र 5 महीने रह गए हैं। जिस तरीके पार्टियों की तैयारी बिल्कुल जैसे चुनाव कल होने वाला हो इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आज हमारे साथ ग्वालियर में अजय सिंह रावल भैया जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी, किस तरीके की तैयारियां पूरी चल रही हैं, जो जैसा लग रहा है माहौल जैसे बिल्कुल चुनाव सर पर हो जबकि टाइम 5 महीने? एक एक दिन महत्वपूर्ण है। समय 5 महीने कितना जल्दी निकल जाएगा इसकी कोई कल्पना नहीं है। हम लोग हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता और एक्टिव हो जाए लोग बाग पहले से। वनस्पत की आखिरी में जैसे एक प्रचलन रहा है, और इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ही तैयारी ठीक रहे। जी बिल्कुल, सरकार तो आपकी 2018 में भी बन गई थी, कहीं ना कहीं ये तैयारी पहले से इसलिए शुरू हो गई है कि सीटें कहीं ना कहीं बढ़ के आए, जो सरकार विधानसभा में टूटी आपकी तो वो ना टूट सके। नहीं, टूटने वाली सरकार तो एक ही दफ़े होती है, और जिनको तोड़ना था वो चले गए, भगवान की बड़ी कृपा रही। लेकिन 2018 में बिना हवा के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, कम संख्या से थी इसलिए टूटने में आसानी हुई। इस दफ़े हवा है कांग्रेस के पक्ष में। पिछली बार टक्कर थी। तो किस तरीके से पूरी रणनीति जैसे आप बन रही है, जो कई जगह ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर कांग्रेस दो दो तीन तीन चार चार बार से नहीं जीती है, उनके लिए क्या विशेष रणनीति, कब तक टिकट की घोषणा है जल्दी करने वालों की? कोशिश है कि जो 65-66 सीटें हैं जो 3 या 4 बार से नहीं जीते हैं उनके लिए अलग रणनीति है, और उनकी सीट भी पहले डिक्लेयर हो जाएगी जिससे जो भी उम्मीदवार हो उसको पर्याप्त समय मिले काम करने का और सबको साथ लेने का। फिर जो विधायक लोग हैं जिनका टिकट फाइनल है उनको हो, कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो पिछले दफ़े नहीं जीत पाए थे उनकी सीटें हो जाएंगी, फिर आखिरी में 40-50 बचेंगी, फिर उसमें जद्दोजहद होगा, सब चीज़ होगी। इन्हीं के बीच में जैसे कई ऐसे भी प्रत्याशी अभी कांग्रेस की कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं सर्वे में भी ऊपर निकल के आ रही है, तो जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ, वो भाजपा में भी ट्राई कर रहे हैं, कांग्रेस में भी ट्राई कर रहे हैं, ये भी देखा गया है कि उनकी सदस्यता भी नहीं है? नहीं, ऐसे लोगों का कोई कांग्रेस में वजूद नहीं है। कांग्रेस गुण दोष के आधार पर बहुत कम ऐसे लोगों को लेगी जिनको टिकट देगी। हाँ, कांग्रेस में आना चाहते हैं स्वागत है, मजबूत करें, लेकिन टिकट की उम्मीद कम करें, सर्वे के आधार पर ही मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश पे आप अभी भी कुछ दिन पहले ही ग्वालियर आए थे, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर पे बहुत ज़्यादा निगाह है सिंधिया के गढ़ में? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अलग अलग प्रभारी हैं वो अपने अपने एरिया में जा रहे हैं, और स्वाभाविक है ग्वालियर चंबल हम लोगों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, एक कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं, सिंधिया जी तो अभी हाल में गए, उनको कितना बीजेपी वाले महत्व देंगे ये समय बताएगा। नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर के समय तो आप 26 सीट लेके आए थे, अब सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर सभी लोग हैं, अब ले लेंगे। इस बार कितनी सीट आएगी? 26 से ऊपर आएंगे जी। तो 1 तारीख को यहाँ आप पार्टी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, दिल्ली के भी आ रहे हैं, और भगवान मान पंजाब के भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप पार्टी का ग्वालियर में उनका भी बड़ी रैली और सभा है? नहीं, कुछ दिन पहले कहीं और भी आए थे, हमारे अंचल में भी आ चुके हैं। आप पार्टी सिर्फ अपना एक प्रेजेंस जो कहें प्रांत में बनाना चाहती है, गलती से एक जगह महापौर बन गए तो सोचती है कि मध्य प्रदेश में उनके लिए जगह है। आने वाले चुनाव साबित कर देगा कि आप पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलता है। ये भी देखा गया है चुनाव के समय जो कार्यकर्ता होते हैं टिकट की दौड़ में होते हैं, आप भी अभी आज संगठन की बैठक लेने जा रहे हैं लोगों की, तो वो नेताओं के दिल्ली भोपाल सभी जगह चक्कर काटते हैं, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे दावेदारों के लिए? अभी 5 महीने हैं, उनको फील्ड में रहना चाहिए या नेताओं के चक्कर काटना चाहिए? किस तरीके से टिकट की उनको थोड़ा संदेश देना चाहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो भी दावेदार हो उसको न दिल्ली न भोपाल जाना चाहिए। यदि वो क्षेत्र में सक्रिय है तो उसका नाम अपने आप उभर के आएगा, और यदि भरोसा है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगा
तो क्षेत्र में ज़्यादा लगे रहे। दिल्ली के चक्कर तो बिल्कुल न काटे। भोपाल ठीक है, वंदे भारत मिल गई है, पर लेकिन उसके बाद भी कम जाए। वंदे भारत से परेशानी तो होगी, नेता जल्दी पहुंच जल्दी जाते और जल्दी लौट आएंगे। चलिए धन्यवाद। वंदे भारत का सहारा ना लें, जो जो नेता टिकट की दौड़ में है वो निश्चित ही फील्ड में रहें और सर्वे में अपना सबसे ऊपर नाम लाने की कोशिश करें। दिल्ली और भोपाल चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अजय सिंह राहुल भैया ने ये संदेश दिया है आज ग्वालियर में। सर्वेश पुरोहित, MP तक ग्वालियर।